अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत होने वाले सरपंच के चुनाव को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर अतिरिक्त चुनाव अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका पहला चरण 17 जनवरी से जो कि नजदीकी, ऐसे में चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होने के साथ साथ समय बाद में रूप से सही ढंग से आयोजित किया जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोई संबंध में समय समय पर बैठक लेकर चुनाव को लेकर रणनीति तय की जा रही है, जिसके लिए अजमेर जिले में होने वाले चुनाव को सही ढंग से आयोजित करवाया जा सके। जिले की 8 पंचायत समितियों में 3 चरणों में जो पंचायत राज संस्थाओं के पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, उनके संबंध में आज सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों और सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई और जो तैयारियां अब तक हो गई है उन पर चर्चा की गई, और चूँकि समय कम है इसलिए सारी तैयारियां अविलंब पूरी करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए और आगे की जो कार्य योजना है उसको तैयार करके और शीघ्र ही प्रस्तुत करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया और आगे समय समय पर इसकी रिव्यू मीटिंग लेकर के और समय पर चुनाव का कार्य सही प्रकार से संपन्न हो।